बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मदनी ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए रिव्यू के साथ। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे कि मेरी लैंड क्रूज़र 5 डोर पर वीडियोस आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी चेंजिंग की जाए, क्योंकि लोग बोर होना स्टार्ट हो गए होंगे। तो मैंने सोचा आज क्यों ना हम प्राडो पर अपना रिव्यू करते हैं, प्राडो 3D पर। तो आज हमारे पास 2 गाड़ियाँ रिव्यू के लिए मौजूद हैं। हमारी पहली गाड़ी जो है वो टोयोटा प्राडो 3D 2001 मॉडल है। दोस्तों, गाड़ी बहुत ही साफ़ सुथरी हालत में, चमकती हुई हालत में मौजूद है, जैसा कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं कि इसका जो पेंट है वो भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में, साफ़ सुथरी कंडीशन में है। इसका पेंट साफ़ सुथरी हालत का होने की वजह से इसकी बॉडी बहुत ही रिफ्लेक्ट कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा लुक दे रही है गाड़ी। इस गाड़ी का जो इंजन है वो डिटेल के मुताबिक 2800 सीसी बताया गया है, और इंजन जो है वो डीजल इंजन है। बम्पर टू बम्पर ये गाड़ी साफ़ सुथरी हालत में मौजूद है। इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ही साफ़ सुथरी हालत में है। डैशबोर्ड भी साफ़ सुथरी हालत का है। सीट्स इस गाड़ी की काफ़ी साफ़ सुथरी हालत में मौजूद हैं। दोस्तों, मैकेनिकली ये गाड़ी बिल्कुल A1 कंडीशन में है। इस गाड़ी की जो कीमत है वो डिटेल के मुताबिक 29 लाख बताई गई है, तो गाड़ी मैकेनिकली भी बिल्कुल A1 कंडीशन में है। तो अगर आपने ये गाड़ी ख़रीदनी है या इसके मालिक से आपने रब्ता करना है, तो इसके मालिक का रब्ता नंबर समेत इस गाड़ी की तमाम तफसीलात मैंने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा। तो ये थी हमारी पहली गाड़ी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी दूसरी गाड़ी की तरफ। हमारी दूसरी गाड़ी जो है वो भी टोयोटा प्राडो 3D है। दोस्तों, ये गाड़ी थोड़ा सा पुराना मॉडल है, 1987 मॉडल इस गाड़ी का डिटेल के मुताबिक बताया गया है, और 1993 में ये गाड़ी इम्पोर्ट हुई है। मुल्तान की इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, लेकिन बाद में इस गाड़ी को ट्रांसफ़र कह लें या कन्वर्ट कह लें, इस गाड़ी के नंबर को पंजाब के नंबर में कन्वर्ट किया गया है। टायर्स के लिहाज से ये गाड़ी बिल्कुल A1 है, ब्रांड न्यू टायर्स हैं इस गाड़ी के, रिसेंटली चेंज किए हैं, और स्नॉर्कल भी इस गाड़ी का इंस्टॉल्ड है। तो बहुत ही अच्छी हालत में ये गाड़ी मौजूद है। मैकेनिकली भी ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। 2400 सीसी इस गाड़ी का परफेक्ट कंडीशन में इंजन है। एसी इस गाड़ी का बहुत ही अच्छी हालत में है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में है। दोस्तों, मैंने जीप से हटकर कार्स के रिलेटेड एक और चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको कार्स में दिलचस्पी है तो आप उसे विज़िट करके मज़ीद कार्स के बारे में भी वीडियोस देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बात करें इस गाड़ी के इंटीरियर की। तो इंटीरियर इस गाड़ी का बहुत ही साफ़ सुथरी हालत का है, अच्छी कंडीशन का है। बॉडी के लिहाज से ये गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में, अच्छी कंडीशन में मौजूद है। तो दोस्तों, इस गाड़ी की जो कीमत है वो डिटेल के मुताबिक 16,25,000 बताई गई है। तो अगर आपने इस गाड़ी के मालिक का रब्ता नंबर समेत इस गाड़ी की तमाम तफसीलात हासिल करनी है, तो मैंने इस गाड़ी की तमाम तफसीलात अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।